अग्निपथ योजना के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए जनपद पुलिस भ्रमणशील रहकर अलर्ट रही, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में कुछ भ्रम की स्थिति है, उसको दूर करने के लिए गोरखपुर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है तथा प्रत्येक सुबह और शाम को युवा शारीरिक प्रशिक्षण तथा दौड़ने के लिए आते हैं। यहाँ पर पुलिस बल के लोग जाकर बात करके भरोसा दिलाते हैं कि उनकी जो भी समस्या है आगे सरकार के स्तर तक पहुंचाई जाएगी। उनको समझाया भी जाता है कि हिंसा का प्रयोग ना करें। उन्होंने कहा कि लगातार गोरखपुर पुलिस ऐसे युवकों के संपर्क में रहेगी। पुलिस लगातार हर स्तर पर सजग है। यदि कोई उत्पाती दल सड़क पर आता है तो उनसे निपटने के लिए भी पुलिस विभाग पूरी तरह से तैयार है, और कोई उत्पाती सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसके विरुद्ध कठोर गैंगस्टर से लेकर NSA की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह जो उत्पाती युवा है, यह पढ़ने वाले नहीं है, इनका केवल यही उद्देश्य है कि समाज को नुकसान पहुंचाना है और जो अन्य युवा हैं उनको भ्रमित करके उनका करियर खराब करना है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग शांति बनाए रखें, अगर कोई भ्रमित करता है तो किसी के बहकावे में आकर भ्रमित ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, जो अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में जो कुछ भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने के लिए गोरखपुर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। प्रत्येक सुबह और शाम को जहां जहां फौज में भर्ती होने वाले युवा दौड़ने के लिए आते हैं, शारीरिक प्रशिक्षण के लिए आते हैं, वहां हमारे पुलिस बल के लोग जाते हैं। आरक्षी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, COs, SPs और मैं स्वयं SSP भी जाता हूँ, और वहाँ पर उनसे बात की जाती है और उनको भरोसा दिलाया जाता है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वो आगे सरकार के स्तर तक पहुंचाई जाएंगी। परंतु उनको बताया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा का प्रयोग ना करें, जो अहिंसा है उसके जरिए अपनी जो बात रखनी हो वो रखें। और मुझे यह देखने में आया है कि ज़्यादातर युवाओं को स्कीम की सही जानकारी भी नहीं है, क्या इस स्कीम में लाभ है ये अभी तक युवाओं को पता नहीं है, जिसके चलते भ्रम की स्थिति में वो गलत कदम उठा रहे हैं। साथ ही यह भी देखने में आया है कि वो युवक जिनका कि भर्ती का उम्र निकल चुका है, वो युवक इनको भ्रमित करके, कुछ कोचिंग संस्था के लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इनको भ्रमित करके हिंसा करने के लिए इनको प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें सामने आया है कि सभी छात्रों ने एक सुर में हिंसा को प्रयोग को एक सिरे से नकार दिया है, और जैसा कि आपने देखा गोरखपुर में शांतिपूर्ण रहा है सारा मामला और कहीं भी कोई हिंसा की सूचना नहीं आई है। लगातार गोरखपुर पुलिस ऐसे युवकों से संपर्क में रहेगी और इनको इसके बारे में बताती रहेगी। पुलिस लगातार सजग है, हमारी हर स्तर पर हर प्रकार की तैयारी है। युवाओं से संवाद से लेकर यदि कोई उत्पाती दल सड़क पर आता है उत्पात करने के लिए तो उनसे भी निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। और इसमें यदि किसी ने उत्पात की प्रयास किया या कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर से लेके NSA तक किया जाएगा। क्योंकि ये सब जो उत्पात करने वाले हैं ये कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले या पढ़ने वाले युवा नहीं हैं, ये उत्पाती युवा हैं जिनका उद्देश्य है समाज को नुकसान पहुँचाना और जो अन्य युवा हैं उनको भ्रमित करके उनका करियर खराब करना। तो ऐसे लोगों से, अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा, और जो अन्य युवा हैं जिनको कोई समस्या हो तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उपलब्ध है उनकी मदद के लिए। क्योंकि हमारे स्वयं के कई आरक्षी हैं जो स्वयं पहले सेना में भर्ती के लिए दौड़ लगाया करते थे और आज पुलिस में हैं। ऐसे ही हमने जो सैनिक कल्याण बोर्ड है उनके पूर्व सैनिकों के साथ भी मैंने और जिलाधिकारी महोदय ने मीटिंग की है और उनसे इस स्कीम के बारे में जानकारी की है, और एक सुर में हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं
उन्होंने इस स्कीम को सराहा है और उन्होंने यह हमको आश्वस्त किया है कि वो हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से भी इस स्कीम के फ़ायदे युवाओं तक पहुंचाएंगे। मेरी सभी से अपील है, शांति बनाए रखें और यदि कोई आपको भ्रमित करता है तो भ्रमित ना हो, इस स्कीम की सही जानकारी लें। ये स्कीम सभी के लाभ के लिए है और किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग करना सभी के अहित में है, ऐसा ना करें।